पहला पुरुष 3 बच्चों को जन्म देने के बाद फिर से हुआ प्रेग्नेंट। साल 2008 में थंग्स नामक एक पुरुष ने 9 महीने गर्भ धारण करके एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देकर सबको चौंका दिया है। उसके बाद थंग्स ने अपनी पत्नी नैन्सी के साथ मिलकर एक के बाद एक करके 3 बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद 2012 में थंग्स ने अपनी पत्नी नैन्सी से तलाक ले लिया। अभी 3 बच्चों की जिम्मेदारी नैन्सी के पास है। तलाक के बाद 2016 में थंग्स ने अम्बा निकोस के साथ दूसरी शादी कर ली। 3 बार पुरुष के तौर पर माँ बनने के बाद थंग्स अपनी नई हमसफर के साथ इस बार पिता बनना चाहते हैं। थंग्स ने एक आदमी के रूप में जन्म नहीं लिया था, वह एक लड़की थे। जब वह 10 साल के थे तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें पुरुष बनना है। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने अंदर कुछ बदलाव लाना शुरू कर दिया ताकि वह एक पुरुष की तरह जिंदगी गुजार सके। उसके बाद मार्च 2002 में एक सेक्स सर्जरी के सहारे वह एक पुरुष में तब्दील हो गए, लेकिन उन्होंने गर्भाशय के अंतिम चरण नहीं करवाए थे। उनके अंदर अब भी गर्भाशय है। ये थी SM News की रिपोर्ट।